एवरीवन, वेलकम यू ऑल. सो टुडे वी विल लर्न अ ट्रिक फॉर द ओरेकल डायग्राम या ऑगल डायग्राम, कुछ भी बोल सकते हो. हमें क्या करना है, इसकी ट्रिक सीखनी है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको बना के देखें. तो हम इसकी ट्रिक सीखते हैं. देखो, ट्रिक में हमारे पास क्या है, हमें पता होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें निकालनी होती है, दे रखी होती है, जैसे भी है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे बनेगा. देखो, पहले जो चीज़ आपको याद करनी है वो देख लो. देखो, यहाँ लिखेंगे हम D1, D2, D3, D4 एंड D5, ठीक है. फिर अपोजिट नंबरिंग स्टार्ट कर दो, D9, D8, D7, D6, ठीक है. D1 कॉन्फ़िगरेशन है, D9 कॉन्फ़िगरेशन है, तो उनका सेम ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा. ऐसे ही 2A8 का, 3A7 का, 4A6 का, D5 का है अलग. हम D5 का लग के ऐसे ही हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले ऑर्बिटल डायग्राम की जो कंडीशन होती है वो क्या होता है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस पे ही लगता है सिर्फ, मतलब जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं उनके ऊपर ही एप्लीकेबल है, इनके ऊपर ही सिर्फ एप्लीकेबल है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये ऑर्बिटल डायग्राम. तो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी. अब हमें इसकी टर्म सिंबल्स निकालने हैं. टर्म सिंबल्स या तो आप निकाल के देख सकते हो, लेकिन मैं कहूंगी आप याद ही कर लो. तो याद करने की ट्रिक क्या है, DFF एंड DS. तो ये बहुत इजीली याद हो जाएगा आपको, 3-4 बार बोल के देख लेना, DFF DS. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं ऐसे कहता हूँ, BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, बेस्ट BS. और बी को हम डी बना सकते हैं, तो DFF DS. यहाँ पे बना है तो यहाँ पे एक दिन टू है तो 3. फिर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो ये होगी इसकी टर्म सिंबल्स, ठीक है. उसके बाद हमें क्या देखना है कि जैसे कि हमारी L की वैल्यू होती है SPDF, तो इसके लिए जो हमारी मुलिकन सिंबल्स यूज होते हैं वो क्या क्या होंगे, मुलिकन सिंबल्स वो कैसे याद रखेंगे. देखो, इसके लिए होता है A1G, इसके लिए होता है T1G, इस D के लिए क्या होता है T2G प्लस EG, ये तो हमें पता ही है. सिमिलरली F के लिए होगा A2G, T1G एंड T2G. बस ये चीजें आपको याद रखनी है, इसके बाद हम ऑर्गल डायग्राम बहुत इजीली बना लेंगे. देखो, पहले आता है D1 के लिए. D1 टेट्राहेड्रल के लिए देख लेते हैं पहले. देखो, D1 टेट्राहेड्रल है, तो हमें पता है टेट्राहेड्रल में क्या होता है, दो तो नीचे होता है हमारे पास E. ये तो मैंने आपको बताया ऑक्टाहेड्रल केस में G आएगा, और टेट्राहेड्रल के केस में G नहीं आता क्योंकि वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है. तो हमने टेट्राहेड्रल के लिए बनाया है, तो ये हो गया हमारा E, तो ये हो गया हमारा T2. देखो, D1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है इसमें आएगा, मतलब किसमें आया, E में. हमारा D1 है, तो D1 क्या हो गया 2D, और D का जो मुलिकन सिंबल है वो क्या हो गया T2G प्लस EG, ठीक है. यहाँ पे आप 2-2 लगा दो. अब इलेक्ट्रॉन किसमें, EG में है, तो अगर ये ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन तो किसमें जाएगा, T2 में जाएगा, ठीक है. तो हमारा इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर कैसे हो रही है, EG से T2G, मतलब EG नहीं लगाएंगे यहाँ पे, E से T2, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है. अब ये आपको समझ आ गया होगा, तो इसकी हम आगे ट्रिक देखते हैं कैसे बनेगा ये कैसे. देखो, यहाँ पे हम डिनोट करते हैं किसको, एनर्जी को, ठीक है. यहाँ पे हम डिनोट करते हैं किसको, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ को. लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है. अब हमें क्या करना है, देखो ये बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है. यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से ऐसे, इसका हम बोल देंगे EG बोल सकते हैं या फिर EB बोल सकते हैं. EG किस केस में होगा, ऑक्टाहेड्रल केस में, और E होगा टेट्राहेड्रल केस में. और ये हो गया T2G ऑक्टाहेड्रल केस में, और T2 बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल केस में. ये T2 वाली लाइन है तो यहाँ पे भी T2 वाली लाइन हो जाएगी, या T2G वाली लाइन हो जाएगी. ये EG वाली लाइन है या E भी लिख सकते हैं हम इसको टेट्राहेड्रल केस में, ठीक है. अब हमने क्या देखा था, टेट्राहेड्रल में D1 है, तो D1 में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, E से T2. तो यहाँ पे क्या आएगा, D1 टेट्राहेड्रल, E से T2, ठीक है. अब इसके अंदर 5 ऐड कर दो, तो 5 ऐड करने के बाद हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, D6, ठीक है. तो D6 क्या हो गया, ये भी टेट्राहेड्रल ही हो गया हमारे पास. अगर यहाँ पे टेट्राहेड्रल है तो इसके अपोजिट साइड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा सर. D1 D6 टेट्राहेड्रल है, तो यहाँ पे जो D1 D6 है ये कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है. अब ऐसे ही D4 के लिए भी बनाएंगे अगर हम, तो उसमें डी टर्म आ रही है, जिसमें डी टर्म आ रही है ना, एक इसमें आ रही है डी टर्म, एक इसमें आ रही है, तो इसके लिए ये डायग्राम बनेगा. और जिसमें एफ टर्म्स आ रही है उसके लिए दूसरा डायग्राम बनेगा, वो हम देखते हैं. इसमें डी टर्म आ रही है तो इसके लिए डायग्राम बनेगा. देखो, D1 और 5 हेड के D6 आ गए यहाँ पे टेट्राहेड्रल में, बचे कौन से, D4 और D6, क्योंकि इसमें भी डी टर्म आ रही है, तो D4 एंड D5 हेड करेंगे, D9 बचा, ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल. अगर यहाँ पे टेट्राहेड्रल लिखे तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल लिखेंगे, और सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे D4 एंड D9, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल था तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, टेट्राहेड्रल. ये डायग्राम हो गया हमारा इसके लिए, किस किस के लिए, D1 के लिए, D4 के लिए, D6 के लिए, D9 के लिए, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल सबके लिए कंप्लीट हो गया. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. अब हम देखते हैं किसके लिए, जिसमें हमारी F टर्म्स यूज हो रही है, D2 D8 के लिए, D3 D7 के लिए, ठीक है. वो कैसे करेंगे हम,
देखो डी थ्री है, डी थ्री के लिए बनाना अगर हमें, तो डी थ्री में जो टर्म आएगी वो क्या आ रही है, एफ टर्म आ रही है, मतलब 4F। और F के लिए मॉलिक्यूलर सिंबल क्या होते हैं, T1G, T2G एंड A2G। ठीक है, ये तो हमारे हो गए ग्राउंड स्टेट सिंबल्स। और जो इसका एक एक्साइटेड स्टेट सिंबल आता है वो क्या आता है, 4P। वो आपको याद रखना है किस किस केस में एक एक्साइटेड स्टेट सिंबल्स आएंगे, एक तो डी टू डी एट के केस में 3P और यहाँ पे 4P, बस ये याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे गया 4P, और 4P के लिए मॉलिक्यूलर सिंबल क्या होता है हमारे पास, 4P के लिए क्या होता है, T1G। यहाँ पे लिख देंगे P, क्योंकि P के लिए यहाँ पे आप सिमिलरली आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं कि कैसे बनेगा। देखो डायग्राम इसका बहुत ही ईजी होता है, कैसे बनाना है हमें, यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे, ये डिनोट करिए इसको एनर्जी को, यहाँ पे लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या टर्म्स हैं, A2G है हमारे पास F का, T1G है F का, T2G है F का, और T1G है P का। ठीक है, तो A2G को लेंगे पहले, तो A2G के लिए लाइन बनेगी ये, यहाँ पर लिख दें हम A2G। ठीक है, अब इसके 2, देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो आगे T2G भी 2 ही आएगा, तो कैसे बनाएंगे इसको, T2G किसका, F का, ये भी F का था, और यहाँ पे T2G F का। ये कैसे याद कर सकते, देखो A2 इसमें नीचे है तो उस से चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आगे क्या, आगे हमारे पास क्या आएगा, ये हो गया, ये हो गया, अब इन दोनों बचा, तो F वाले हम साथ लिखेंगे। देखो अब बचा T1F, तो T1F कैसे बनेगा, T1F बनेगा ऐसे, ये क्या हो गया T1G, और ये किसके लिए होगा, F के लिए, ये T1G F के लिए हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, P के लिए बचा, ये भी कर दिया हमने, तो P का हम कैसे बनाएंगे, ये ऐसे जाएगा T1G P और ये T1G P। ठीक है, ये A2 था, F वाले टर्म साथ साथ लिखे, फिर P वाला लिखा, A2 था तो यहाँ पे भी 2 आ गया, ये 1 था और ये भी 1 वाले आ गए। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रॉसओवर पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे क्रॉसओवर पॉइंट। अब जैसे जो पिछला डायग्राम था उसमें हमने क्या कहा था, T1 टेट्राहेड्रल इस साइड आएगा, तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो D2 टेट्राहेड्रल है वो इस साइड आएगा। ठीक है, अब इसमें 5 ऐड करो तो कितना बनेगा, 5 ऐड करने पर D7, तो D7 टेट्राहेड्रल भी इसी साइड आएगा। ठीक है, D2 D7 टेट्राहेड्रल हो गए, इस साइड आ गए। अब D2 D7 ऑक्टाहेड्रल होंगे, वो इस साइड आएंगे। बचे क्या हमारे पास, D3 एंड D8, क्योंकि उसमें भी हमारी एफ वाली टर्म्स आ रही थी, तो D3 और D8 है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल ऑलरेडी हो चुका है, तो ये ऑक्टाहेड्रल वाले बनेंगे यहाँ पे, और जो यहाँ पे बनेंगे D3 और D8 ये बनेंगे टेट्राहेड्रल वाले। ठीक है, और ग्राउंड स्टेट देखनी हो तो ग्राउंड स्टेट इसमें क्या होगी, A2G होगी। ट्रांजिशन कैसे हो रहे हैं, A2G से T2G, A2G से T1G और A2G से T1P। ये एक्साइटेशन होगी, फर्स्ट एक्साइटेशन U1 कह देते हैं, U2 कह देते हैं, इसको U3 कह देते हैं। सिमिलरली इस वाले केस में फर्स्ट एक्साइटेशन होगी यहाँ पे T1G F से, कहाँ पे, T2G F पे। सेकंड होगी T1G F से T1G P, और थर्ड ट्रांजिशन होगी किसे, T1G F से A2G। ये तो आफ्टर क्रॉसओवर पॉइंट था, और बिफोर क्रॉसओवर पॉइंट क्या होगा, T1G F से T2G F फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन ये हो रही है, और थर्ड ट्रांजिशन हमारे पास ये हो रही है। ठीक है, बस ये इसकी ट्रिक थी, सिंपल सी ऑर्गल डायग्राम की। इस क्लास में हमने इसकी ट्रिक सीखी है, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।